हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने वाले हैं क्लास फोर्थ का टॉपिक सब्ट्रैक्शन। देखिए बेटा, हम इसे पहले भी पढ़ चुके हैं, पर आप इसे थोड़ा और ध्यान से देखेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था, चाहे हमें दे रखा हो माइनस, चाहे हमें लिख रखा हो सब्ट्रैक्शन, या फिर हमें दे रखा हो डिफरेंस, तीनों का मतलब होता है कि हमें उन्हें क्या करना है, लेस करना है। और लेस का हमारा जो साइन होता है वो ये वाला होता है। और एक बात, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, हमने उसको वंस वाली साइड से ही करना है। और देखिए, बड़े में से छोटा लेस हो सकता है, छोटे में से बड़ा लेस नहीं हो सकता। अब ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है बेटा 2। अब 2 तो बड़ा है और 1 छोटा है, तो 2 में से 1 मेरा इजीली सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर 2 में से मैं 1 को लेस कर दूं तो मेरा आ जाएगा बेटा 1। इसी तरीके से ये मेरा दे रखा है 7। 7 में से अगर मैं 6 लेस कर दूं तो मेरा आ जाएगा 1। इसी तरीके से ये 5 है और ये 0 है। मैंने कहा था माइनस के केस में हमें वापस डिजिट ही मिलती है, तो हमें वापस मिलेगा 5। इसी तरीके से अगर मैं 4 में से 3 लेस कर दूं तो मुझे वापस मिलेगा 1। और इसी तरीके से बेटा, अगर 8 में से हम 4 लेस कर देंगे तो हमें क्या वापस मिलेगा, 4। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, सेम है, ये 5 है और ये 4 है। तो 5 में से अगर हमने 4 लेस कर दिया तो हमारे पास बच गया 1। ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा बेटा, 0। जब भी हम कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा ध्यान से करना होता है, और हमें पता है कि हम वंस वाली साइड से ही करेंगे। अब देखिए, 4 में से अगर हमने 3 लेस कर दिए, मीन्स 4 में से 3 तो चले ही गए, तो आपके पास तो कितना बचा, 1 ही बच गया। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा, 1 लिख देंगे। इसी तरीके से ये है हमारा 6 और ये है हमारा 2। अब 6 में से अगर 2 चले गए तो देखो, 2 के बाद देखो 3, 4, 5, 6, मीन्स आपके पास तो 4 बच जाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। 7 में से 5 तो चले ही गए, तो देखो 6 और 7, तो 2 ही बचे, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 2 लिख दोगे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये 5 है और ये 0 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा 5 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन के केस में हमें वापस 5 ही मिलता है। 3 है और ये 2 है, अगर 3 में से 2 हम लेस कर दें तो हमारे पास कितना बच जाएगा बेटा, 1 बच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ही आप आगे देखेंगे। अगर हमने 6 में से 3 लेस कर दिया तो हमारे पास बच जाएगा बेटा 3। ऑलराइट, इसी तरीके से अगर 8 में से हमने 4 लेस कर दिया तो हमारे पास तो बच गया 4। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और 4 में से अगर मैंने 2 लेस कर दिया तो मेरे पास बच गया बेटा 2। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को हमें करना है। आगे देखिए आप, तो देखिए बेटा, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, इसमें ऊपर छोटी डिजिट है और नीचे बड़ी डिजिट है। 6 में से 9 तो हमारा लेस हो ही नहीं सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पावर देनी पड़ेगी। तो ये तो बन गया मेरा 16, और यहाँ पे एक कम हो गया, यहाँ पर क्या रह गया, 6। पहले तो इसको ही देखो, 16 में से 9 तो चले ही गए, 9 के बाद से बोलना शुरू करेंगे और 16 पे जाके स्टॉप हो जाएंगे। 9 के बाद देखो 10, 11, 12,
थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन मीन्स हमारा कितना बच गया, ये सेवन। अब ये बात तो पूरी हो गई, लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई क्योंकि ये सिक्स है और ये थ्री है। क्या आपको यहाँ से लेना पड़ेगा बोरो? बिल्कुल भी नहीं लेना पड़ेगा। क्यों नहीं लेना पड़ेगा हमें बोरो? क्योंकि ये सिक्स तो बड़ा ही है और थ्री छोटा ही है, तो सिक्स में से थ्री गए तो हमारा थ्री ही आ जाएगा। ऑलराइट, अब यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये थ्री तो हमारा हो गया छोटा और नाइन हो गया हमारा बेटा बड़ा। अब हमें इसको पावर देनी पड़ेगी, इससे पावर लेकर दे देंगे, कोई बात नहीं है, हमने बड़ा बना दिया, थर्टीन हो गया ये हमारा। और यहाँ पे कम हो गया क्योंकि इससे इसको दिया है, तो ये तो हमारा एट हो गया। अब थर्टीन में से नाइन लेस करने हैं, नाइन के बाद से बोलना शुरू करोगे और थर्टीन पे जाकर स्टॉप हो जाओगे। नाइन के बाद देखो टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन, तो मीन्स हमारा कितना आएगा यहाँ पर, फोर आ जाएगा हमारा। अब इधर से तो बोरो लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एट है और एट में से वन ईजीली हमारा लेस हो सकता है, तो ये हमारा हो जाएगा सेवन। और फाइव में से अगर टू हम लेस कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा बेटा थ्री। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब आप आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपको देखना है इस तरीके से, देखिए सेम है, इधर मैं करूँगी तो क्या आ जाएगा हमारा ज़ीरो। लेस किया, इनको लेस किया तो हमारा क्या आ जाएगा एट, इनको लेस किया तो हमारा क्या आ जाएगा टू, इनको लेस किया तो वन, और इनको लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा टू। जब आप इसको इस तरीके से करके देखोगे तो ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है बेटा? इसी तरीके से आप इसको करके देखो, यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा जीरो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, अगर मैंने इसको लेस किया टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा एट, यहाँ पर क्या आ जाएगा लेस करने के बाद एट, और यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी फिर ज़ीरो। इसको बोरो दे देंगे ना, तो यहाँ एट ही बच जाएगा, और एट में से एट ज़ीरो। इस तरीके से जो है ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अब दे रखा उन्होंने सिक्स, सिक्स में से अगर हम थ्री लेस करेंगे तो ईजीली हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा। इनको अगर लेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा ज़ीरो आ जाएगा। इसको अगर हम लेस करेंगे, क्योंकि इधर से बोरो लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा एट आ जाएगा बेटा। इसी तरीके से अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया थ्री, और इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा थ्री। इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सेवन में से सिक्स अगर हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा वन, थ्री में से अगर हम टू करेंगे तो हमारा आ जाएगा वन, यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी जीरो, इसी तरीके से यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा एट, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा बेटा टू। इस तरीके से हम इन्हें लेस कर सकते हैं। प्रोसीजर तो यही रहने वाला है जैसे कि इसमें था, जब ऊपर छोटा हो और नीचे बड़ा हो तो हम इस तरीके से ही इनको सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि इसमें दिया हुआ था। आगे देखिए बेटा, देखिए बेटा अब उन्होंने हमें क्या कहा है, आप इसका जैसे 25th क्वेश्चन देखिए, व्हाट नंबर शुड बी एडिड, इस नंबर में हम क्या ऐड करें टू गेट कि हमें कितना मिल जाए, इतना मिल जाए। मीन्स उसने हमें एक नंबर दे रखा है कि इस नंबर में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमें कितना मिल जाए, इतना मिल जाए। मैंने कहा जब भी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ये एडिड दे रखा है, अगर मैं इसको दूसरी तरफ जाके किस में चेंज हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में, माइनस में,
और माइनस करके जो आंसर निकलेगा वही वो दूसरा नंबर होगा, जिन दोनों को ऐड करने के बाद कितना मिल जाएगा, हमें इतना मिल जाएगा। सो जैसा जैसा वो कह रहा है हम उसको वैसा वैसा लिखते जाएंगे। जैसे कि उसने कहा व्हाट नंबर शुड बी एडिड, मीन्स उसने हमें एक नंबर तो दे रखा है, अदर नंबर हमें निकालना है और हमें मिलना कितना चाहिए आंसर, इतना मिलना चाहिए। तो देखो हम इसकी कैसे बना सकते हैं स्टेटमेंट। देखिए अब देखिए, ये जैसे इसका 25th क्वेश्चन है, उसने हमें क्या कह रखा है, वन नंबर, क्योंकि उसने हमें बेटा एक नंबर तो उसने हमें दे ही रखा है, और जो उसने हमें नंबर दे रखा है वो हम लिख देते हैं 16877, यानी कि 16877। वन नंबर तो उसने हमें दे ही रखा है, और गेट मिलना हमें कितना चाहिए, गेट जो उसने हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अभी देख रहे हैं, फिर ही तो हमें पता चलेगा हमें मिलना इतना चाहिए। और फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, अदर नंबर, हमें वो दूसरा नंबर नहीं पता, वो दूसरा नंबर ही तो हमें निकालना है। अदर नंबर हमें निकालना है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो, जिससे आपको ये रिमाइंड रहेगा कि एक नंबर दे रखा है, एक मुझे फाइंड करना है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है, मैंने कहा था दूसरी तरफ जाके निशान चेंज हो जाता है, वो एडिट कह रहा था, मतलब दूसरी तरफ जाके हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे और नीचे हम ये वाली डिजिट लिखेंगे और हम इन्हें क्या कर देंगे बेटा, लेस करेंगे हम इनको, आपको इनको लेस करना है। यहाँ क्या आ जाएगा लेस करने पे, ज़ीरो। सब्ट्रैक्शन हम फर्स्ट क्लास से ही करते आ रहे हैं, वही प्रोसीजर है और पीछे मैंने समझा भी चुकी हूँ। और यहाँ पर अगर इसको माइनस करेंगे 7, अगर इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 3, 2 आएगा यहाँ पर हमारा बेटा, ये क्या आ जाएगा हमारा 2, और ये हमारा क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो ये आ जाएगी 0। इट मीन्स हमारा आंसर क्या आया, 3270। अगर हम इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा ये इस तरीके से आ जाएगा। पर अगर आप साथ साथ लिखते रहते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाता है कि आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है, मीन्स क्या चीज़ आपको इसके अंदर निकालनी है। तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं बेटा। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन अपना, अगले क्वेश्चन में वो आपसे क्या कह रहा है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए फ्रॉम इसमें से टू गेट कि इतना मिल जाए, इसमें से क्या नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए कि हमें आंसर इतना मिल जाए। अब देखो हम इसे प्लस तो कर नहीं सकते, प्लस कर ना करने का रीज़न क्या है, हमें तो आंसर ही ये निकालना है। अगर हम इसमें यही डिजिट ऐड कर देंगे तो आंसर तो इससे भी ज़्यादा आ जाएगा। सो यही रीज़न होता है कि जब सब्ट्रैक्ट दे रखा है तो सब्ट्रैक्ट का सब्ट्रैक्ट ही रहेगा, मीन्स इस क्वेश्चन में तो हमें इनको माइनस ही करना पड़ेगा। उसने कहा कि इस नंबर में से मैं क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करूँ, इस नंबर में से क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करूँ कि मुझे कितना मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए। तो देखिए बेटा आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो देखिए बेटा इसमें भी सेम वही प्रोसीजर हमारा रहेगा, जो जो मेंशन है हम वो तो लिख ही सकते हैं। पहले आप लिखोगे वन नंबर, तो वो हमारा वन नंबर क्या है जो उन्होंने हमें मेंशन कर रखा है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया बेटा, इसको हमने लिख दिया 32050, ठीक है। और उसने हमें क्या कह रखा है कि गेट मिलना कितना चाहिए हमें, आंसर कितना आना चाहिए हमारा, 3675 जो है वो आंसर आना चाहिए हमारा, वो चीज़ वो हमें ये कह रहा है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अदर नंबर। तो जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उस पर हम क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, जिससे क्लियर रहेगा कि मुझे तो अदर नंबर फाइंड करना है।
तो अदर नंबर हम फाइंड कर कैसे कर सकते हैं, इनको हमें सब्ट्रैक्ट को तो सब्ट्रैक्ट ही रहने देना है। उसका रीज़न भी मैंने बताया कि हमें तो आंसर ही ये निकालना है, अगर आप प्लस करोगे तो प्लस करके तो आंसर इससे भी ज़्यादा आ जाएगा। सो सब्ट्रैक्ट तो सब्ट्रैक्ट ही रहता है, हम इन्हें माइनस करने वाले हैं बेटा। देखो 3, 2, 0, 5, 0। एक तो आप डिजिट्स को बिल्कुल सटाओगे नहीं, बिल्कुल साथ साथ नहीं लिखोगे, फिर उससे आपको प्रॉब्लम क्या होती है, उससे आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा थोड़ा स्पेस दिया करो ताकि जब आप कैलकुलेशन करने चलो तब आपसे इजीली उसकी कैलकुलेशन हो जाए और गलती के चांसेस कम हो। 5, 7, 6 और ये आ गया हमारा 3। इस तरीके से अब हमें क्या करना है, इनको लेस करना है वो अदर नंबर निकालने के लिए। तो हमें अदर नंबर निकालना है इनका, तो अगर आपने इसको हम कैसे करेंगे, 0 में से 5 नहीं जाएगा, सेम वही प्रोसीजर रहेगा, ये 10 बन जाएगा। तो 10 में से हमारा 5 गया, 5 ही रह गया। अब ये हमारा क्या बन गया, 4। 4 में से 7 नहीं जा सकता, इधर से कैरी ले लोगे तो ये बन जाएगा 14। 14 में से 7 गए तो 7। अब ये तो हमारा बच गया 9। 9 में से 6 चले गए तो देखो 7, 8, 9 मीन्स यहाँ पर कितना बच गया, 3 बच गया आपका। अब इधर से ये भी हमारा लेस नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 है और ये 3 है। इधर से आप ले लोगे 12 में से 3 लेस कर दो, कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा यहाँ पर। और इसी तरीके से यहाँ पर ये क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। वैसे आप तो इसी तरीके से पूरा क्लियर ही करके लिखना, जिससे आपके गलती के चांसेस कम हो, कि भी ये 0 में से 5 नहीं जा सकता तो ये मेरा कितना बना है, 10 बना है। उसको क्लियरली यहाँ पर लिखो आप, और फिर आप यहाँ पे क्लियरली लिखो कि इसने आपको बोरो दी होगी तो ये तो 4 रह गया। अब 4 में से भी 7 तो लेस नहीं हो सकता, फिर इसने बोरो दी होगी तो ये तो बन गया 14 और ये बन गया होगा 9। 9 में से 6 तो इजीली जा सकता है। अब 2 में से 3 नहीं जा सकता तो इसने इसे बोरो दी होगी तो ये बना 12 और ये कितना बन गया, 2। तभी ये हमारा 2 आया। आप तो ऊपर इसी तरीके से लिख लिया करो, जिससे आपको कैलकुलेशन क्या हो आपकी बिल्कुल सही सही आएगी बेटा, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, देखिए आप अपना अगला क्वेश्चन बेटा। अब उसने हमें क्या कहा है अगले क्वेश्चन में, द सम ऑफ 2 नंबर इज इतना, मीन्स अगर 2 नंबर का हमने सम किया तो हमें इतना मिला। 1 ऑफ द नंबर इज इतना, उनमें 1 नंबर ये वाला था तो फाइंड द अदर नंबर, तो आप दूसरा नंबर बताओ क्या था वो। सेम प्रोसीजर, सम का मतलब होता है प्लस, मीन्स ये दूसरी तरफ जाके किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, मीन्स इसमें से हम ये क्या कर देंगे, लेस कर देंगे तो हमें अदर नंबर अपने आप ही मिल जाएगा। तो देखिए बेटा आपको इसी तरीके से करना है। तो आप देखिए अपना अगला क्वेश्चन, 27th क्वेश्चन अपना। अब स्टेटमेंट तो उसकी भी इसी तरीके से बनेगी, मैं आपको बस सॉल्व करके दिखा रही हूँ। जैसे कि उन्होंने हमें एक नंबर क्या दे रखा था, ये वाला, वो सम कह रहा था ना उसका, ऐड कह रहा था, तो वो दूसरी तरफ जाके मीन्स हमें इन्हें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। हमें ये डिजिट्स दे रखी हैं, इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। अब ये क्योंकि सम कह रहा था तो दूसरी तरफ जाके निशान चेंज हुआ, ये किस में हो गया, माइनस में ये हमारा हो गया। तो देखिए बेटा 2 में से 5 हमारा लेस नहीं हो सकता। सेम प्रोसीजर, आप क्या कर लोगे, बोरो ले लोगे। अगर हमने इनको बोरो लिया तो ये हमारा आ जाएगा 7, इधर कितना आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद, इधर हमारा आ जाएगा बेटा 8, इधर हमारा आ जाएगा 4, इधर हमारा आ जाएगा 3 और इधर हमारा आ जाएगा 5। इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आपको करना क्या है बेटा,
आपको एक्सरसाइज अपनी पूरी 3A है जो, ये आपको करनी है। और 3A में आपको क्या क्या करना है आप निशान लगा लीजिए। आपको करना है 9th, 10th, एक तो आपको ये दोनों करनी है, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, and 16th। और इसके अलावा देखिए आप कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। आपको करना है 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, और आपको करना है इसके अलावा 38, 31 और 39। ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक पे सॉल्व करने हैं। अच्छे अच्छे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।